दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों आज पीएम मोदी ने काफ़ी सारी स्पोर्ट हस्तियों और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अपने साथ एक चैट में शामिल किया और उन्होंने इसमें विराट कोहली को भी शामिल किया। और ये एक न्यू इंडिया फिट इंडिया नाम से ट्विटर में ट्रेंड भी कर रहा था ये जो मोदी जी का कार्यक्रम था। और मोदी जी वैसे भी फिटनेस के लिए और योगा के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि यूथ फिटनेस और योगा में काफ़ी ध्यान दे, और लोग दे भी रहे हैं। इंडिया में आप देख रहे होंगे फिटनेस इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बढ़ी है पिछले 4-5 सालों में, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे हम सबको बुलाने के लिए। एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और इसके फायदे इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर, तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। हो रहा है तो इस क्या ये कैप्टन को भी ये योर टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और योर टेस्ट होता क्या है, क्या 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 करना पड़ता है? सर टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया वो एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है, और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक सर बेंचमार्क आई थिंक एलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है। इंडिया मिशन काफी एक अच्छा मिशन है, हालांकि एक यूट्यूबर भी है गुरुमान, आपने देखा होगा, उन्होंने ये मिशन काफी पहले से चालू किया है और उन्होंने इसके लिए काफी काम भी किया है। आप में से कई लोगों ने फॉलो भी करते होंगे जो जिम करते होंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा पिछले 3-4 साल में काफी जिम कल्चर भारत में बढ़ा है और इतना बढ़ा है कि लोग काफ़ी अवेयर हो गए अपनी फिटनेस को लेकर और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जिम खुली है। तो आप भी बताइए इस जिम कल्चर को बढ़ाने के पीछे आप किसे बहुत बड़ा
किसका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं? हालांकि सेलिब्रिटीज़ ने काफ़ी प्रयास किया है, लीडर्स ने काफ़ी प्रयास किया है, क्रिकेटर्स ने काफ़ी प्रयास किया है कि भारत में लोग फिट रहें। फिट रहने का मतलब ये नहीं कि आप जिम ही जाते हो, फिट आप घर में भी रहकर रह सकते हैं। इसी चैट में ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ऐसा बोला है मोदी जी के सामने, घर में रहकर आप अच्छा खाना खाना पीना खाकर आप फिट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखें आपका जिम जाने का उद्देश्य या फिटनेस के प्रति लगाव किसकी वजह से आया है। धन्यवाद दोस्तों।